Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड एक्टर रवि किशन को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों का रुख किया। रवि साउथ की फिल्मों में भी अपनी हुनर का डंका बजा चुके हैं। 2019 में उन्हें बीजेपी से सांसद बनकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया है। आज रवि किशन अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 17 जुलाई को हुआ था। भले ही आज रवि किशन एक जाने माने एक्टर बन चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ अब तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। रवि का शुरुआती जीवन काफ़ी गरीबी में बिता है। इस खास मौके पर रवि किशन की निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। रवि किशन के पिता मुंबई के सांताक्रूज इलाके में दूध का व्यापार किया करते थे। पिता चाहते थे कि रवि भी इसी काम को करे, लेकिन बाद में उनकी डेयरी बंद हो गई। इसके बाद पूरा परिवार जौनपुर चला गया। वहां जाकर उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। पूरा परिवार एक मिट्टी के घर में रहता था। एक इंटरव्यू में रवि ने कहा था कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वह किसी त्यौहार पर अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीद सके। रवि ने बताया कि वह एक बार अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने 3 महीने तक अखबार बेचने का काम किया। पैसा जमा कर जब उन्होंने अपनी माँ को 75 रुपये की साड़ी लाकर दी, तो उनकी माँ को इतना गुस्सा आया कि उनको थप्पड़ मार दिया। जब माँ ने गुस्से में पूछा कि साड़ी खरीदने के पैसे उनके पास कहाँ से आए, तो उन्होंने रोते हुए बताया था कि उन्होंने अखबार बेचकर पैसे जमा किए थे। यही बात सुनकर उनकी माँ उनको गले में लगाकर खूब रोई थी। रवि के एक्टिंग के शौक पर उनके पिता ने एक बार उनकी बेल्ट से भी पिटाई कर दी थी। रवि ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि अगर उनके पिता उन्हें बेल्ट से नहीं मारते तो वह गुंडा या फिर पुरुष सेक्स वर्कर बन जाते। रवि ने बताया कि यदि पिता ने नहीं मारा होता तो मैं ड्रग एडिक्ट हो जाता। वह कहते थे कि लड़कियों के पीछे मत भागो, हमेशा एक ही औरत के बनकर रहो, पुरुष सेक्स वर्कर मत बन जाना। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.